गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज ज्योति विजय क्लास सिस्थ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फिफ्थ द एडजेक्टिव चैप्टर फिफ्थ द एडजेक्टिव टुडे वी रीड अबाउट द एडजेक्टिव्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन वी आर गोइंग टू रीड डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन अवर प्रीवियस वीडियो वी रीड अबाउट द एडजेक्टिव्स काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव there are seven types of adjectives proper adjectives adjective of quality adjective of quantity adjective of numbers ad demonstrative adjective distributive adjective and interrogative adjective okay we all read about this okay today we read degree of comparison we read this by the book okay so let's start to read this chapter

देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन ऑफ एब्जेक्टिव टू डे वी रीड डिग्री ऑफ कंपेरिजन कम्पेरिजन मतलब इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है ठीक है पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन ओके लुक फर्स्ट ओनली आज अंडरस्टैंड रीड करेंगे हम कल अंडरस्टैंड करेंगे इसको ठीक है लुक पॉजिटिव डिग्री देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होती है पॉजिटिव डिग्री देयर इज नो कंपेरिजन देयर इज नो no कंपेरिजन इसमें कोई तुलना नहीं होती है इन इट इसके अंदर बट दिस ओनली हाईलाइट द क्वालिटी ऑफ डिफेक्ट ऑफ ए थिंग और ए पर्सन देखिए क्या है पॉजिटिव डिग्री में किसी तरह की कोई तुलना नहीं होती है लेकिन किसी के गुण को हम हाईलाइट करते हैं या किसी की कमियों को हम हाईलाइट करते हैं या तो किसी वस्तु की कमी या वस्तु का गुण या किसी वस्तु व्यक्ति के गुण या उसकी अवगुणों को ठीक है देखिए एग्जाम्पल राम इज राम इज टॉल लुक राम इज टॉल ठीक है राम यहाँ लंबा है तो ये इसका राम का क्या है गुण है ठीक है द गर्ल इज ब्यूटिफुल लड़की सुंदर है तो ये इसकी क्वालिटी है ठीक है तो इसमें किसी से कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है केवल हमने क्या हाईलाइट किया है इसमें लड़का कैसा है लंबा है तो उसके स्टॉल को हाईलाइट किया है द गर्ल इज ब्यूटीफुल लड़की कैसी है सुंदर है तो उस ब्यूटीफुल को हमने हाईलाइट किया है ओके किसी से कोई तुलना नहीं करिए कोई कंपेरिजन नहीं डाला है ओके नेक्स्ट देखिए कंपेरेटिव डिग्री लुक कंपेरेटिव डिग्री में हम रीड करेंगे देखो दिस इज इस यूज इसका उपयोग किया जाता है वैन वी आर गोइंग टू कंपेयर जब हम तुलना करते हैं करने जा रहे होते हैं टू थिंग्स और टू पर्सन दो वस्तुओं का और दो व्यक्तियों का इन टर्म ऑफ देयर क्वालिटी और डिफेक्ट्स उनकी गुणों में और उनकी कमजोरियों में डिफेक्ट्स मतलब उनकी अवगुणों में ठीक है देखिए एग्जांपल से समझिए सीता इज टॉलर देन मीरा सीता इज टॉलर देन मीरा तो देखो सीता लंबी है किसकी तुलना में मीरा की तुलना में तो यहाँ देखिए जब हम कंपरेटिव डिग्री लगाते हैं तो हम इसमें ई आर ER एड करते हैं या फिर मोर एड करते हैं ई ठीक है और देन का यूज करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में देखिए यहाँ पर सीता इज मोर ब्यूटिफुल देन सरला सीता की तुलना किससे की गई है सरला से सीता की तुलना किससे की गई है सरला से ठीक है तो सीता इज मोर ब्यूटिफुल सीता बहुत अधिक सुंदर है देन सरला सरला की तुलना में सीता ज्यादा सुंदर है तो सीता और सल्ला की जब हमने कंपेरिजन कराया है तो दोनों का कंपेरिजन हमने किससे करा है हमने कंपेरेटिव क्या लगाया मोर कुछ वर्ड्स होते हैं जो पीछे ई ER आर लगा लेते हैं और कुछ वर्ड्स में मोर लगता है ठीक है जिनका ई आर ER फॉर्म नहीं बनती है ठीक है और देन हमें ई आर हम कंपेरेटिव डिग्री में देन कंपल्सरी होता है ठीक है तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं ओके नेक्स्ट देखिए देखिए नोट देखिए नोट क्या कह रहा है वी यूज द वर्ड देन इन कंपेटिव डिग्री वी यूज वर्ड देन इन कंपरेटिव डिग्री हम कम्परेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं ये मैंने आपको अभी अंडरस्टैंड भी करवाया था ओके नेक्स्ट देखिए देखिए थर्ड सुपरलेटि डिग्री थर्ड देखिए सुपरलेटि डिग्री दिस इज यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग ए ग्रुप ऑफ थिंग्स इसका उपयोग किया जाता है जब हम तुलना करते हैं एक समूह की वस्तु और पर्सन व्यक्तियों एंड ए थिंग ए पर्सन इज डेस्क्राइब टू बी द सुप्रीम द बेस्ट इन द ग्रुप देखो इसमें क्या आया था सुपर लेटी डिग्री में हम पूरे ग्रुप की तुलना करते हैं किसी एक को बेटर बनाने के लिए किसी एक को बेस्ट शो करने के लिए इसमें तुलना की जाती है कि जो एक है वो पूरे समूह में अच्छा है या पूरे समूह में गंदा है ठीक है उसकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी ठीक है दोनों को देखिए एग्जाम्पल से शो करते हैं राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास तो देखिए इन द क्लास यहाँ पर जो आया है ये पूरा ग्रुप है क्लास का ठीक है राम यहाँ पर, पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति है लड़का है जो कि क्या है बेस्ट है तो राम इज द बेस्ट बॉय इन क्लास राम पूरे गांव में पूरे उस क्लास में बेस्ट स्टूडेंट है बेस्ट बॉय है ठीक है दिस इज द बेस्ट पेन तो ये जो पेन है ये भी सबसे अच्छा पेन है तो ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर कम पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं था ठीक है कंपरेटिव डिग्री में कंपैरिजन था बट दो लोगों में कंपैरिजन था और सुपरेटिव डिग्री में एक व्यक्ति को पूरे ग्रुप में बेस्ट बनाने का कंपे बेस्ट बनाने बताया गया था ठीक है तो आप देख लीजिए यहाँ पर राम को पूरी क्लास में बेस्ट बताया है ठीक है देखिए आपके आपके जो है नीचे नोट दिया हुआ है आपकी सिलेबस में स्टैंडर्ड ओनली पॉजिटिव और कंपेटिव डिग्री का है ठीक है केवल इसमें पॉजिटिव और कंपेटेटिव बनाया है देखिए मैं आपको फिर बता देती हूँ जब कंपेटिव बनेगा तो उसमें ई आर या मोर लगेगा ठीक है और जब हम देन भी इसमें पुट करते हैं और इसमें ई लगता है या बेस्ट लगता है और डिग्री से पहले दा लगता है ठीक है जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तब आप और अंडरस्टैंड कर लेना इसको अब नीचे आपको दे रखा है रूल्स ऑफ कंपरेटिव डिग्री ठीक है देखिए डियर का बना डियरर ग्रेट का बना ग्रेटर लॉन्ग का बना लॉन्गर पुर का बना पुअर का बना पुअर स्मॉल स्मॉलर वीक वीकर डीप डीपर हार्ट हार्डर ओल्ड ओल्डर ओल्ड के दो होते हैं एक तो ओल्डर और एक एल्डर ठीक है जो हमारे परिवार से तुलना करते हैं तो एल्डर लगाते हैं और किसी अदर से तुलना करते हैं तो ओल्डर लगाते हैं ठीक है स्वीट का स्वीटर टॉल का टॉलर ओके नेक्स्ट देखिए देखिए इ लगाया था पॉजिटिव डिग्री में आपको बता दिया था जो कुछ शब्द हैं जो अपने साथ ई आर लेते हैं नीचे देखिए नेक्स्ट इफ एडजेक्टिव हैव ई एंड एंड इट्स लास्ट लेटर ओनली आर इज़ ऑल ठीक है देखिए ये जो लास्ट लेटर है इसमें ई है तो केवल हम इसमें आर ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ई आर लगा रहे थे तो ई तो इसमें लास्ट में दिया हुआ है तो देखिए एल ए आर जी लार्ज इसका बना एल ए आर आर लार्जर आर आई पीई ई दे रखा लास्ट में तो देखिए आर आई पीई आर अब इसमें ई आर नहीं लगाएंगे ओनली आर पुट करेंगे अगर कोई वर्ड ई से लास्ट हो रहा है तो उसमें केवल कंपेरेटिव बनाते समय आर ई एड करेंगे डब्ल्यू आई एस ई वाइज डब्ल्यू आई एस ई आर वाइजर ठीक है बी आर ए वी ब्रेव बी आर ए वीई आर ब्रेवर हो जाएगा ट्रू टी आर यू ट्रू टी आर यू आर ट्रूवर ठीक है लुक देखिए इफ देयर इज वन कंसोनेंट एट द एंड ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड दिस इज द प्रोसीड बाई ए सिंगल ए ई आई ओ यू देन द लास्ट लेटर बिकम डबल वाई लेडिंग देखो ये क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर से पहले ए ई आई ओ यू आ जाता है तो वो लेटर डबल हो जाता है लास्ट वाला तो देखिए देखिए यहाँ पर देखिए बी आई जी बिगी से पहले क्या आ रहा है आई तो यहाँ जी डबल हो जाएगा बनाते समय तो देखो बी आई जी डबल जी ई आर देखो आई से पहले जी से पहले आई था वो था इसलिए देखो होट में देखिए एच छोटी हो, टी होट टी से पहले ओ आ रहा है ए, ए आई ओ यू, यू में से तो टी डबल हो जाएगा एच ओ डबल टी ई आर होट ठीक है नेक्स्ट देखिए ऐसे W ई टी wet टी से पहले ई रहा है तो डबल टी हो जाएगा डब्लू ई टी डब्लू ई डबल टी ऐसे देखो में टी से पहले ए आ रहा है तो ये टी डबल हो जाएगा ठीक है है में से से पहले पहले आ रहा तो ये भी डबल हो जाएगा टी एच आई डबल एन ई आर थी ठीक है आज हमने यहाँ पर थ्री तक पढ़े थ्री रूल देखे डिग्री के इफ द लास्ट लेटर ऑफ एडजेक्टिव इज वाई अगर लास्ट लेटर वाई है एडजेक्टिव का दिस वाई इज हैविंग कंसोनेंट बिफोर इट इससे पहले इसके कंसोनेंट लेटर दिया हुआ है तो वाई इज चेंज ई एस या ई एस टी आई एड ई एस और ई एस टी इज एडेड देखिए इसको देखिए हम और वो वाला है तो वाई चेंज नहीं होगा देखो कुछ भी नहीं है ये मैं आपको उसमें भी बता चुकी थी नंबर्स में अब देखो आप अगेन देखिए एग्जांपल से समझिए इसको देखिए आप ई एस वाई ईजी लुक ई एस वाई ईजी वाई से पहले देखो कंसोनेंट है तो वाई हटके क्या लग जाएगा आईईआर कंपेरेटिव e, बनाते समय ठीक है ऐसे डी आर वाई ड्राई ड्राई से पहले वाई से पहले क्या है कंसोनेंट है, आर तो आ, वाई हटके क्या हो जाएगा आई ई आर डी आर आई ई आर ठीक हैप्पी एच ए डबल पी वाई वाई से पहले कंसोनेंट है पी तो वाई हटके आई ई आर हो जाएगा हैप्पी आर ठीक है प्रॉब्लम इन दिस कुछ भी नहीं था अगर वाई से पहले देखिए लुक वाई से पहले एस आता है वाई से पहले कंसोनेंट वर्ड आएगा तो वाई हट गया ई आर लग जाएगा कंपरेटिव बनाते समय ठीक है और अगर वाई से पहले वबल्स आते हैं तो ई आर लगेगा ओनली ठीक है आपको मैंने ये फोर बताए हैं Look. मैंने आपको आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन रीड करवाया था इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने आपको आज आपको केवल रीड ही करना है मैं इनको आपको एग्जांपल से और प्रॉपर्ली समझाऊंगी केवल मुझे आज बुक रीड करवानी थी इसलिए मैंने आपको करवाया है तो मैंने आज आपको केवल इतना ही रीड करवाया है आप इसको रीड करिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए बुक को रीड करना वीडियो को देख के और अंडरस्टैंड करना है केवल आपके यही चेंजिंग नहीं है डिग्री का चेंजिंग नहीं है आपका केवल कंपेटिव आपको पॉजिटिव वर्ड दिया होगा उसको आपको कम्परेटिव बनाना है केवल ई आर एड करके ठीक है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है मैंने आपको ये रूल्स भी बताए हैं कि किस में ई आर लगेगा किस में आर लगेगा या किस में इसमें किस में कंसोनेंट लेटर डबल हो जाएगा ठीक है में वाई के बाद एस लगेगा वाई के बाद ई आर लगेगा या आई ई आर लगेगा ये आपको केवल आपको रिपीट करना है इस चैप्टर्स को तो आपको ये जो डिग्री ऑफ कंपेरिजन के जो चैप्टर है इसको आपको रीड करना है जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ठीक है आपको कॉपी में करने का कोई मैटर नहीं है इसमें आपका केवल आपको अंडरस्टैंड करना है ठीक है ओके हैव ए प्रॉब्लम इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो कंसल्ट विद मी अगेन देख लीजिए पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री तीनों डिग्रियों को हमने समझा है ये आपके सिलेबस में इतना डीपली नहीं है केवल आपके सिलेबस में कंपैरेटिव डिग्री का है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में आपको केवल ई आर एड करना है ठीक है तो कोई अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो इसके बारे में ठीक है और आप इसको बार बार रीड करना ठीक है ना ओके इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन को आपको रीड करना है और इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन को आपको रीड करने के बाद आपको ये ई वाली फॉर्म आपको लिख के रखनी है पॉजिटिव आप फॉर्म को आप रफ कॉपी में लिखिए और फिर उसकी कंपेरेटिव फॉर्म आप रफ कॉपी में लिख के ट्राई करना ठीक है ओके और इनकी एक्सरसाइज हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे We will meet in our next video of adjectives. Thank you. Have a nice day.